Hello everyone, today we are going to discuss another cue card, which is describe an exciting activity that you experienced. You should say what that activity was, when and where it happened, and explain how you felt about it. मतलब कि कोई ऐसी एक्साइटिंग एक्टिविटी जो आपने कभी एक्सपीरियंस की थी और हमें इसमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है कि वो एक्टिविटी क्या थी, कब और कहाँ पे वो आपने वो एक्टिविटी की, एंड उस एंड में आपको बताना है कि आपको वो एक्टिविटी करके कैसा फील हुआ. लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर. आई कैन रिकॉल सेवरल थ्रिलिंग ओकेजंस, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई वेंट स्काई डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम. कि मतलब कि मैं आज तक मैंने लाइफ में बहुत सारी थ्रिलिंग ओकेजंस एक्सपीरियंस की हैं, मैं रिकॉल कर सकती हूँ, चीज़ों को याद कर सकती हूँ, बट जो सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो मेरी लाइफ का था जब मैं पहली बार स्काई डाइविंग करने गई. आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई द आइडिया ऑफ स्काई डाइविंग, सो वेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ आई न्यू आई हैड टू सीज इट. जब मैं हमेशा से ही फैसिनेटेड थी उस आइडिया को लेके, बहुत मेरी दिलचस्पी रही है हमेशा से ही स्काई डाइविंग करने में, सो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसने प्रेजेंट किया अपने आप को मेरे सामने, तो मुझे पता था कि मैं अब इस अपॉर्चुनिटी को सीज करूँगी. मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ने वाली, मैं इसको चांस लेने वाली हूँ. आई गॉट दिस चांस व्हेन आई वेंट टू हरियाणा विद माई फ्रेंड्स. मुझे ये चांस तब मिला जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हरियाणा गई थी. वी हैड जस्ट फिनिश्ड आर एग्जाम्स एंड आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क वी हैड पुट इन टू आर स्टडीज आर ब्रेन्स एंड बॉडीज नीडेड अ ब्रेक. हमने जस्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले अपने एग्जाम्स फिनिश किए थे एंड अपने इतना सारा हार्ड वर्क करके एग्जाम्स की वजह से हमारा जो माइंड था और हमारी बॉडी थी उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए था. सो वी डिसाइडेड टू गो समवेयर एंड डू सम फन एक्टिविटीज विच विल रिजुविनेट अस. सो हम सब ने, फ्रेंड्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कहीं चलते हैं और कुछ फन एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारी हमें रिजुविनेट करेगा. It was at Sky High India, which is India's only international skydiving drop zone, located 2 hours away from New Delhi at the Narnaul Airstrip in Haryana. ये जो एक्टिविटी मैंने की वो कहाँ पे की, स्काई हाई इंडिया एक जगह है जो कि इंडिया की ओनली इंटरनेशनल स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन है, जो कि न्यू दिल्ली से 2 घंटे दूर पड़ता है हरियाणा में. At Narnaul Airstrip, after receiving a brief training session on safety procedures and basic techniques, I geared up and ready to go. मैंने उस जब मुझे बेसिक ट्रेनिंग मिल चुकी थी एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में और बेसिक टेक्निक्स के बारे में, आई वॉज गेयर्ड अप एंड रेडी टू गो मीन्स कि मैं तैयार थी कि मैं कब उस चीज़ को जाके एक्सपीरियंस करूँ. एज द प्लेन असेंडेड टू द डिजायर्ड एटीट्यूड माई हार्ट बिगेन टू रेस विद एक्साइटमेंट एंड नर्वस एंटिसिपेशन. जैसे ही प्लेन ऊपर जाने जग गया तो मुझे एकदम से मेरा हार्ट जो था, हार्ट बीट थी जो वो तेज होने लगी एक्साइटमेंट की वजह से, और मैं नर्वस भी थी. व्हेन द मूवमेंट फाइनली अराइव्ड आई लीप्ड आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द ओपन स्काई. फाइनली जब वो मोमेंट आया जब मुझे जंप करना था प्लेन से, तो आई लीप्ड आउट ऑफ द प्लेन मीन्स मैंने वहाँ से जंप किया एंड इनटू द ओपन स्काई फ्री फॉलिंग एट एन एक्सेलरेटिंग स्पीड. मैं बिल्कुल ओपन स्काई में बहुत ही फ्री फॉल कर रही थी बहुत ही स्पीड के साथ. The rush of the wind against my face, the breathtaking views of the landscape below, and the sensation of weightlessness combined to create an unforgettable experience. जो रश था जो मेरे फेस के ऊपर हवा की वजह से आ रहा था, जो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे लैंडस्केप नीचे जब मैं देख रही थी, एंड जो सेंसेशन मुझे फील हो रही थी जहाँ कि मुझे अपना वेट महसूस नहीं हो रहा था, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मुझे एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया जो कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी. एज द पैराशूट डिप्लॉयड एंड आई ग्लाइडेड ग्रेसफुली बैक टू अर्थ. जैसे ही पैराशूट ने डिप्लॉय किया और मैं बहुत ही ग्रेसफुली बहुत आराम से अर्थ के ऊपर मैंने लैंड किया, आई फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड एक्सिलरेशन नोइंग दैट आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर एंड एक्सपीरियंस समथिंग ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जब मैंने फाइनली वहाँ पे लैंड किया तो मुझे बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आई अपने अंदर से, जैसे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो अपना डर है उसको कॉन्कर कर लिया है, उसको जीत लिया है, अपने डर पे काबू पा लिया है एंड एक्सपीरियंस समथिंग ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है.
What made this experience so exciting was not just the thrill of free falling from thousands of feet above the ground, but also the sense of liberation and empowerment that came with it. मुझे सिर्फ ये एक्सपीरियंस इसलिए एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि मैं इतनी हज़ारों किलोमीटर फीट से ऊपर नीचे आ रही थी, फ्री फॉल कर रही थी, बट इसलिए क्योंकि इस एक्सपीरियंस से मुझे एक सेंस ऑफ लिबरेशन फील की और मैंने एम्पावरमेंट फील किया. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर क्यू कार्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.